स्टूडेंट आप बीएससी फर्स्ट ईयर जंतु विज्ञान में जूलॉजी में आपको ओरेलिया बता रही हूँ, ठीक है। इसके पहले मैंने आपको फाइसेरिया का पूरा बताया था। ये क्या ऑब्जेक्टिव पेपर है आपका, पहले भी बता चुकी हूँ कि ये फर्स्ट पेपर, ये आपका इनवर्टिबेट ऑब्जेक्टिव पेपर, उसके अकॉर्डिंगली क्वेश्चन है इसके, ठीक है। ओरेलिया देखिए इसका स्ट्रक्चर है, ठीक है। इसमें माउथ होता है, मेडसा होता है, पॉलिप होता है, हाइड्रोथीक होता है, ठीक है। देखिए इसके बाद एनवन होता है, गोनोथीक होता है। ये पूरा इसका स्ट्रक्चर कभी ऑब्जेक्टिव में पूछता है कि ओरेलिया में क्या पाया जाता है, तो आप ऑब्जेक्टिव पूछ सकते हैं पॉलिप और मेडसा किस में पाए जाते हैं, तो आप बता सकते हैं कि ओरेलिया में पाए जाते हैं, फाइलम सीलेंटेटा में आता है, ठीक है। कुछ क्वेश्चन ऐसा भी पूछा जा सकता है कि जो मेल और फीमेल किससे बनते हैं ओरेलिया में, तो ये मेडसा से बनते हैं, तो ये ओरेलिया का है, ठीक है। देखिए क्लासिफिकेशन देखिए, ये स्ट्रक्चर है ओरेलिया का, ओके। इसको सी फर के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। समुद्री फर भी कहा जाता है, ये भी पूछा जा सकता है कि ओरेलिया को किस नाम से जाना जाता है, तो समुद्री फर के नाम से जाना जाता है। क्लासिफिकेशन देखो, फाइलम सिलेंड्रेटा, क्लास हाइड्रोजोआ, ऑर्डर हाइड्रोइडिया, जीनस ओरेलिया, और स्पीशीज क्या है, जेनी बुलेटा। तो ये हो गया, ठीक है। अब देखिए ये मांसाहारी होते हैं, एक ऑब्जेक्टिव बनता है कि ओरेलिया शाकाहारी है कि मांसाहारी, तो ये क्या होते हैं, मांसाहारी होते हैं। इनमें रेडियस कमी पाई जाती है, इसमें पॉलिप और मेडसा पाया जाता है, मेडसा से मेल और फीमेल का निर्माण होता है, ओके। ये हो गया, ठीक है। तो ये क्या है, इसका स्ट्रक्चर हो गया। देखिए इसकी लाइफ साइकिल बता दूं, लाइफ साइकिल जो होता है मेडसा से ही, इसमें दो प्रकार का प्रजनन पाया जाता है, लैंगिक और अलैंगिक। अलैंगिक जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है हाइड्रोजाइट द्वारा होता है, इसमें जो पॉलिप जो होता है उसी के द्वारा मेडसा का निर्माण होता है, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मेडसा द्वारा होता है, ठीक है। अलैंगिक प्रजनन के द्वारा ही मेडसा का निर्माण होता है। मेडसा दो प्रकार का, देखिए मेल और फीमेल इनका एक बनते हैं, एक ऑब्जेक्टिव बनता है। मेल फीमेल आपस में क्या होता है, जाइगोट बनाते हैं, फिर यहाँ पर सेल बनाने के बाद कौन सा लार्वा बनाते हैं, प्लाज्मा लार्वा बनाते हैं। प्लाज्मा लार्वा जो होता है जल में तैरता है, एक स्थान पर ये बैठ जाता है, बैठने के बाद ये यंग पॉलिप का निर्माण करता है। तो ये इसकी लाइफ साइकिल हो गई, ये इसका क्लासिफिकेशन हो गया, और ये इसका स्ट्रक्चर है। तो ऑब्जेक्टिव बहुत सारे इसमें बन जाएंगे आपके, और ये थ्योरिकल के रूप में भी आप इसको नोट डाउन करेंगे। तो ये आपको समझ में आ गया कि ये ओरेलिया मांसाहारी होता है, मांसाहारी होने के साथ साथ ओरेलिया क्या होता है, इसमें रेडियस कमी पाई जाती है, इसमें लैंगिक अलैंगिक दोनों प्रकार का प्रजनन पाया जाता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, टेंटिकल्स पाए जाते हैं जिसे दंत कोशिकाएं कहलाती है, जिसमें पॉइजन भरा हुआ होता है, पहले भी बता चुकी हूँ कैरेक्टर में, जिसमें दंत कोशिकाएं पाई जाती है। ये क्या होते हैं, जली जीव है, जल में तैरते हुए रहते हैं, ठीक है। और इसके बाद इसमें क्या होता है कि इसमें जो मेडसा जो निकलता है वो मेल और फीमेल दो भागों में बढ़ जाता है। मेल के द्वारा क्या निकलता है, इसमें स्पर्म निकलता है, और फीमेल के द्वारा एग निकलते हैं, ठीक है। ये हो गया, फिर इसका ये क्लासिफिकेशन है, देन इसके बाद ये इसकी लाइफ साइकिल है। तो ये ओरेलिया, ओरेलिया को क्या कहा जाता है, समुद्री फर भी कहा जाता है। तो ये क्या हो गया आपका, फेवर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन गए। थैंक यू।